दोस्तों आज हम जा रहे हैं हरिद्वार के मार्केट में जो बेहद ही खूबसूरत हैं। ये मार्केट क्यों है इतने खास और क्या क्या यहाँ मिलता है, आइए देखिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरिद्वार के एक और वीडियो में। दोस्तों अभी हम हैं हर की पौड़ी के पास, इसी के ठीक सामने से हरिद्वार के मोती बाजार, बड़ा बाजार और गौ घाट तक जाने का रास्ता है, जहां मनसा देवी के लिए पैदल रास्ता भी हम देखेंगे। दोस्तों ये तीनों ही मार्केट हरिद्वार के सबसे फेमस मार्केट हैं और टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र भी हैं। तो आप जब भी हरिद्वार आएं यहाँ जरूर जाएं। दोस्तों ये सामने बहुत सारे खाने के रेस्टोरेंट दिख रहे हैं, जिनमें ये मोहनजी पूरी वाले सबसे फेमस हैं। मार्केट में जाने से पहले दोस्तों यहाँ कुछ हम भी पूरी सब्जी खा लेते हैं। आइए दोस्तों यहीं हर की पौड़ी से पैदल चलते हुए इन बाजारों को देखते हैं। दोस्तों रुद्राक्ष और तुलसी की यहाँ बहुत सारी मालाएं दिख रही हैं। यहाँ पूजा का सामान, ज्वेलरी, फैशन वेयर, कॉस्मेटिक, सजावट का सामान और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। दोस्तों ये गलियारे के दोनों ओर दुकानें लगी हुई हैं। ये मार्केट अराउंड 1.5 किलोमीटर में फैला हुआ है। शंख, शिवलिंग, भगवान की मूर्तियां और पूजा सामग्री की दुकानें जगह जगह देखने को मिल रही हैं। दोस्तों हरिद्वार हिंदुओं का एक पवित्र प्रमुख धार्मिक स्थल भी है। दोस्तों यहाँ चारों ओर देखिए बेहद ही खूबसूरत धार्मिक वस्तुओं का यहाँ संसार बसा हुआ है। दोस्तों यहाँ ये देखिए हैंडीक्राफ्ट की भी बहुत सारी ये ऐसी सुंदर दुकानें हैं। बच्चों के खिलौनों की भी बहुत सारी दुकानें यहाँ दिख रही हैं। चूड़ियों और लेडीज कॉस्मेटिक सामान की भी बहुत सारी दुकानें यहाँ देखने को मिल रही हैं। रत्नों की भी बहुत सारी दुकानें देखने को मिल रही हैं।
दोस्तों अब हम गऊ घाट चौक पर पहुंच चुके हैं। दोनों ओर अलग अलग टाइप की दुकानें देखते हुए टाइम का तो पता ही नहीं चला। दोस्तों यहां दाईं ओर जाने पर वो सामने मनसा देवी माता के मंदिर के लिए पैदल रास्ता नजर आ रहा है और यहां गऊ घाट चौक से बाईं ओर जाने पर हरिद्वार की कुछ फेमस लस्सी और समोसे की दुकानें नजर आ रही हैं। तो दोस्तों अब हम भी लस्सी और समोसों का मजा लेते हैं। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद। हर हर महादेव।